नंबर वन, क्रिएटिन से किडनी खराब होगी। क्रिएटिन एक सेफ सप्लीमेंट है और इससे हमारी किडनी को कोई रिस्क नहीं है। जिन्हें पहले से किडनी की प्रॉब्लम है और मेडिसिन भी ले रहे हैं, वो क्रिएटिन लेने से पहले डॉक्टर की सलाह ले। सेकंड, क्रिएटिन एक स्टेरॉइड है। क्रिएटिन एक नेचुरल सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी डेली बेसिस पे प्रोड्यूस करती है, और क्रिएटिन नेचुरल फूड से कंज्यूम करना चाहते हो तो ये हमें मोस्टली एनिमल प्रोडक्ट से मिलेगा। थर्ड, जब आप क्रिएटिन कंज्यूम करते हो तो वाटर इंटेक डबल कर लो। इसके अगेंस्ट में मेरा क्वेश्चन है कि नॉर्मल वाटर इंटेक कितना होना चाहिए? कुछ लोग दिन में सिर्फ 1 या 2 लीटर वाटर कंज्यूम करते हैं, क्या वो सही है? अगर आप हैवी वर्कआउट करते हो या फिर कोई स्पॉट में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो तो बॉडी को प्रॉपरली हाइड्रेट रखने के लिए 4 to 5 लीटर वाटर डेली चाहिए। वाटर इंटेक आपके सराउंडिंग पे भी डिपेंड करेगा। अगर कोल्ड वेदर है तो वाटर इंटेक आप थोड़ा सा कम कर सकते हो। फोर्थ, क्रिएटिन से वेट गेन होगा। इसका सच ये है कि क्रिएटिन मसल्स में वाटर होल्ड करेगा, जिससे आपका वेट थोड़ा सा बढ़ सकता है। आपने क्रिएटिन कंज्यूम करना स्टार्ट किया और 3 से 4 वीक में आपका वेट 10 किलो बढ़ गया, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्रिएटिन नहीं है, आपका अनहेल्दी फूड है। फिफ्थ, क्रिएटिन से ब्लोटिंग होगी, आपका पेट फूल जाएगा। क्रिएटिन का आपका पेट या मोटापे से कोई रिलेशन नहीं है। आप हेल्दी फूड डाइट में लीजिए और वो भी लिमिट में। नंबर 6, क्रिएटिन से डिहाइड्रेशन होगा और क्रैम्प्स आएंगे। जब आपका वाटर इंटेक बहुत कम होगा तब डिहाइड्रेशन होगा और बॉडी में क्रैम्प आने के चांसेस है। इसके अगेंस्ट क्रिएटिन आपके मसल्स को हाइड्रेटेड रखेगा, जिससे क्रैम्प आने के चांसेस बहुत कम है। अगर आपको डिहाइड्रेशन या क्रैम्प इश्यूज है तो जल्द से जल्द आप अपना वाटर इंटेक सही करें। नंबर 7, क्रिएटिन वीमेन के लिए सही नहीं है। अगर आप एथलीट हो या वर्कआउट करते हो तो आप डेफिनेटली क्रिएटिन ले सकते हो। नंबर 8, क्रिएटिन बंद करने से आपके मसल्स चले जाएंगे। क्रिएटिन से आपकी बॉडी का एटीपी स्टोरेज लेवल बढ़ जाता है। जब आप क्रिएटिन स्टॉप करते हो तो स्लोली स्लोली 5 to 6 वीक्स के बाद वो एटीपी स्टोरेज पहले के जितना नॉर्मल हो जाएगा। अगर आप कंसिस्टेंटली वर्कआउट कर रहे हो और आपका डाइट भी सही है तो मसल लॉस का कोई चांस नहीं है। नंबर 9, कैफीन एंड क्रिएटिन को डाइट में एक साथ नहीं रख सकते। कैफीन की प्रॉपर्टी डायूरेटिक है, मतलब वो बॉडी से वाटर लॉस प्रमोट करेगा, बट कैफीन सेंसिटिविटी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। आप जो एनर्जी ड्रिंक्स, प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स, सोडा, चाय और कॉफी कंज्यूम करते हो उसमें कैफीन रहेगा। अगर आप वर्कआउट के जस्ट पहले हाई कैफीन कंटेंट वाला प्री वर्कआउट सप्लीमेंट या फिर प्री वर्कआउट एनर्जी ड्रिंक ले रहे हो तो क्रिएटिन की टाइमिंग एडजस्ट कर लो, उसे आप पोस्ट वर्कआउट में मिल्क के साथ या वे प्रोटीन के साथ कंज्यूम करो। अगर आपने वर्कआउट के 80 टू 90 मिनट्स पहले लाइट मिल्क के साथ क्रिएटिन लिया है और जस्ट बिफोर द वर्कआउट ब्लैक कॉफी ले रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।